हेलो शार्क्स, नमस्ते। मेरा नाम रंजीत है। सर, ये रोड कंडीशन मॉनिटरिंग की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी है। सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व के सामने खड़ी है। इसी समस्या के ऊपर हमने हल निकाला और रोड बाउंस जैसा एक सुरक्षित सटीक सॉफ्टवेयर लाए। सो शार्क्स, रोड बाउंस एक टेक्नोलॉजी है जो एज अ ऐप आपके फोन में आ सकती है। वो बेसिकली आपके कार के वाइब्रेशन मेजर करती है और बेस्ड ऑन द वाइब्रेशंस नीचे वाले रोड का एक प्रिसाइज क्लिनिकल प्रिसीजन क्वालिटी डेटा हम लोग जनरेट करते हैं। अब तक 50,000 किलोमीटर का डेटा हमने सर्वे किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है। हम जाके गड्ढे भर तो नहीं सकते, लेकिन इतना एटलीस्ट कर सकते हैं कि कोई एम्बुलेंस अगर अपने पेशेंट को लेके जा रही हो तो उनको ये अलर्ट दे दे कि भाई सामने एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ रहा है या बहुत बड़ा गड्ढा आ रहा है। तो शार्क्स, 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर 10% ऑफ आवर कंपनी। सो मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ इस छोटी सी व्हीकल का। ये हमने बनाया है सिंगापुर गवर्नमेंट के लिए, उन्होंने फंड किया था ये प्रोजेक्ट। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जो टेक्नोलॉजी कार में यूज करते हो, वही टेक्नोलॉजी छोटे रोबोट में डाल के आप रोड के माइनर क्रैक्स आप ढूंढ के निकाल सकते हो। ये सक्सेसफुली बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इसका मैं आपको क्विकली डेमो दिखाऊंगा। जो फोन नॉर्मली कार के डैश के ऊपर जाता है, वो अभी इस व्हीकल के अंदर जाएगा। ओके, सो ये अभी ऐप ने रिपोर्ट जनरेट किया है। आप देख सकते हो कि शुरुआत में कोई गुड पैचेस आए हैं, बाद में बैड पैचेस आए रंबलिंग स्ट्रिप के वहां पे, और फिर से गुड पैचेस आए, फिर ये यहीं से डायरेक्टली पीडीएफ एक्सपोर्ट होता है। आप डेवलपर हैं? हाँ, मैं खुद डेवलपर हूँ। सर, आप बेचते क्या हैं? इट्स अ सर्विस। ओके। कि लोग मुझे फोन करते हैं। कौन पैसे देता है? इधर रोड कॉन्ट्रैक्टर्स देते या फिर गवर्नमेंट देता है। अभी पिछले साल का रेवेन्यू हमारा कम था कोविड की वजह से, फील्ड पे नहीं जा पाए, तो 30 लाख का रेवेन्यू था। उसके एक साल पहले 1.5 करोड़ का रेवेन्यू था। ये साल में क्या ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है रेवेन्यू का? अभी ये साल में हमने 2.5 करोड़ का ऑलरेडी बुक किया हुआ है। और तो कितने का ऑर्डर मिल जाएगा टोटल पूरे साल में? तो मुझे लगता है 2.5 करोड़ पे सेटल हो जाएंगे। 2.5 करोड़। हाँ, ये देखो, अभी ये हमने 2 साल पहले मुंबई का सर्वे किया था, मरीन ड्राइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे पूरा ग्रीन है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर रहेगा शायद। अच्छा, ये मतलब मुंबई में है ही नहीं क्या रेड प्लॉट? नहीं, मुंबई में है रेड, ये सिर्फ मेरे रोड पे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने करवाया काम। कमाल कर रहे कुछ भी मुझे ये डेटा गलत लग रहा है। नहीं, गलत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ। जहाँ मैं समझ रहा हूँ कि आपका बिजनेस आज प्राइमरीली गवर्नमेंट का बिजनेस है, आपको आगे क्या करना है? यही गवर्नमेंट में बढ़ते रहना है कि कोई और स्ट्रेटजी आपको इस काम को बढ़ाने की? इंडिया जो है, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। उसको करंट सर्वे कॉस्ट से भी अगर देखते हैं, गवर्नमेंट रेट से, तो भी ये सालाना कम से कम 100-200 करोड़ का बिजनेस है। पर ये गूगल क्यों नहीं करेगा? गूगल के पास तो गूगल मैप्स भी है। गूगल के लिए ये बिल्ड वर्सेस बाय का डिसीजन रहेगा। हमने इसके ऊपर पैटर्न फाइल किया हुआ है। आपको मिल गया पेटेंट? इन प्रोसेस है। मिल जाएगा पेटेंट? फर्स्ट क्वेरी, हाँ, मिल जाएगा इसका। मैं ओला का फर्स्ट इन्वेस्टर हूँ और ओला ये सारा डेटा गैदर कर रही है और फ्री में सारे गवर्नमेंट को दे रही है, तो आप कैसे उसके ऊपर बिजनेस बना पाओगे? मुझे ये आपका काम समझ नहीं आ रहा, तो मैं हूँ आउट। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गड्ढे हैं तो हैं, थोड़े गड्ढे से निकल जाएंगे। मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी कि इसको हम सॉल्व करें बैठ के। प्रॉब्लम ही नहीं है ये थोड़ा, तो इसलिए मैं भी आऊंगा। हेलो शार्क्स। हेलो। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी है कन्हैया की, जो चेन्नई में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते थे, लेकिन उनके काम ने उनकी जान ले ली। जो सेप्टिक टैंक्स और सीवर लाइन जैसे जहरीले एनवायरनमेंट में जाकर उसकी मैनुअली क्लीनिंग करते थे, वो क्लीन करते हुए पॉइजनस गैस इनहेलर से उनकी डेथ हो गई। भारत सरकार ने 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया था, लेकिन आज भी ये
इलीगल तरीके से जारी है। शख्स 2017 से 2021 तक लगभग 330 लोगों की मौत हो चुकी है इसी प्रॉब्लम से। हमारे शहरों में एक और गंभीर समस्या है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये है वो पाइपलाइन जिसके थ्रू आपके घरों में पानी आता है। कितना अनहाइजीनिक है ये तो हम देख ही रहे हैं। ये पाइपलाइन जो 15 सेंटीमीटर का हुआ करता था वो अब 9 सेंटीमीटर का भी नहीं बचा है। शाक्षसता इसलिए क्योंकि आज भी पाइपलाइंस की इंस्पेक्शन या सीवर लाइन सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग इलीगल तरीके से मैनुअली होती है। और इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालने के फोरफ्रंट में लाने के लिए हमने स्टार्ट किया सोलिनास। नमस्ते शाक्स, मैं हूं दिवांशु कुमार। मैं भावेश नारायणी। मैं मोइनक बनर्जी। और मैं हूं लिंडा। हम चेन्नई से आए हैं। सोलिनास इंटीग्रिटी एक एंड टू एंड वाटर सैनिटेशन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो क्रिटिकल पब्लिक एसेट्स जैसे पाइपलाइंस, मैनहोल, सेप्टिक टैंक्स इत्यादि की कंडीशन की जांच और सफाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए। हमारा पहला प्रोडक्ट होमोसेप एक सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है जिसकी मदद से किसी भी सफाई कर्मचारी को सेप्टिक टैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का दूसरा प्रोडक्ट का नाम है इंडोबॉट जो कि सीवर और वाटर पाइपलाइन इंस्पेक्शन रोबोट। जनरली म्यूनिसिपैलिटीज हर जगह गड्ढा खोद के इंस्पेक्शन करता है लेकिन अभी इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों का रोबोट इंश्योर करता है कि इंस्पेक्शन टाइम 10 गुना कम हो और पानी और पैसे का बचत हो। हमने अपने प्रोडक्ट्स को 2020 में लॉन्च किया था। इन दो सालों में हमने कई शहरों के साथ और कुछ इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप की है। हमारा मानना है कि किसी भी शहर की नींव होती है उसके पाइपलाइन और सैनिटेशन सिस्टम। इसलिए हमारे कंपनी का विजन है कि भारत के सभी शहरों की वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सिटीज को स्मार्ट बनाना। बहुत ही अच्छा कॉज चुना है आपने और आप चारों का शार्क टैंक पे स्वागत है। वंडरफुल। तो पहले आप चारों के बारे में बताइए, कहाँ पढ़े और फिर ये आइडिया कैसी आई? मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ से मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था तो इसके लिए फिर IIT मद्रास आया और फाइनल ईयर में फिर मैंने मेरा प्रोजेक्ट था होमोसेप विद माय प्रोफेसर इज आल्सो co-founder, उनके साथ हमने ये शुरुआत की। और आप तीनों का बैकग्राउंड? मेरा नाम भावेश नारायणी है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। बचपन में एक स्कूल से निकाल दिया गया था तो उस दिन मैंने सपना बनाया था एक दिन मैं बड़े स्कूल में पढ़ूंगा, इस वजह से मैं IIT मद्रास में मास्टर्स की पढ़ाई करने गया। फिर मैंने दिवांशु और प्रोफेसर को देखा कि वो कैसे लोगों की जान बचा रहे हैं एक रोबोट के थ्रू, तो मैंने भी उनको फिर 2019 में ज्वाइन किया। आज मैं मतलब ऐसा प्रोडक्ट हेड हूँ सैनिटेशन डिपार्टमेंट का सोलिनास में, ऐसा co-founder भी। और मैं मोइनक बनर्जी, मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से ही किया हूँ। करंटली मैं वाटर सेक्टर का जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी है वो मैं देखता हूँ। लिंडा आप बताइए। आई एम फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु, सो आई डिड माई बीटेक इन मैकेनिकल फ्रॉम SRM एंड देन आई केम अक्रॉस सोलिनास, सो आई मैनेज ऑल द R&D प्रोजेक्ट्स एंड आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ जनरल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये तो अमेजिंग है, आप देखो बोध गया, दुर्गापुर, ग्वालियर, चेन्नई, देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देश हर जगह पूरा मतलब नेशनल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट लग रहा है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब मैं कर रहा था तो फर्स्ट 3 months तो ऐसा ही था, मतलब वॉइस ये कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करके निकलना है फिर। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कुछ सैनिटेशन वर्कर्स की एक टीम थी जिनके साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। जब हमने उनको प्रेजेंट किया तो वो सॉल्यूशन पे सब लोग हंस रहे थे, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि भाई हमने इतनी मेहनत करके ऐसा सोचा है, आप क्यों हंस रहे? तो उन्होंने बोला कि तुमने कभी सेप्टिक टैंक देखा भी है क्या? हमारे नेल्स देखो वो बाहर आ रहे, पूरा स्किन हमारा खराब हो चुका है क्योंकि हमें अंदर जाना पड़ता था। जब मैंने देखा उस चीज को तो मुझे लगा कि एक श्योर शॉट चांस तो लेना है कि अच्छे से मतलब मेहनत करके बनाएंगे कि क्या कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक मतलब क्या? वेस्ट? क्या होता है सेप्टिक टैंक? जो इंसानों की लैट्रिन, पेशाब होती है वो जाकर सेप्टिक टैंक में कलेक्ट होती है। तो इस तरह का एक मतलब हमने सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है। अच्छा जी। रियल जो इंसानों की लैट्रिन होती है वो नीचे ऐसे जमा हो जाती है, फिर ये हमारी पेशाब और इसका मिक्सचर होता है और ऊपर आके एक फ्लोट करते हैं। तो इस लेयर को और इस लेयर को निकालना पंप से मुमकिन है लेकिन इस लेयर को निकालने के लिए इंसान इस मैनहोल से नीचे जाया करता था। जो ये प्रॉब्लम है ये तो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, ग्लोबली भी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई होगी। तो वेस्ट में सेप्टिक टैंक्स के लिए सुपर सकर मशीन का यूज होता है जो कि अपवर्ड्स ऑफ 3-4 करोड़ की कॉस्ट होती है। वो इंडिया में भी है हमारे पास,
लेकिन आप ये सोचिए देखिए कि जो विलेजेस है हमारे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उस चीज को. मतलब कुछ है करेक्ट सक्शन मशीन्स हैं अवेलेबल बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. और जो छोटी मशीन्स अवेलेबल है जो 15-20 लाख अवेलेबल है वो बस टॉप वाला पार्ट क्लीन करते हैं, जो बॉटम का आपका हार्ट स्लज है वो रह जाता है. एक बार मैं आपको बस प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूँ ये है क्या चीज. हमारा जो ब्लेड है वो फोल्डेबल है, मतलब ओपन और क्लोज हो जाता है. और एक मल्टीपल ब्लेड सिस्टम है जो हमारी लैब में 5 से 6 साल की रिसर्च में बनाया गया है, जो डीपेस्ट जो हार्डेस्ट स्लज है उसको मिक्स कर सकता है. फिर ये पूरा सिस्टम हमारे पास एक रिमोट जॉयस्टिक है जिससे आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं. और सारा डाटा में हम एक कैमरा एक एक्स्ट्रा एसेसरीज देते हैं. अगर आप पूरे घर बैठे बैठे इस पूरे मिक्सिंग को देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं अपने आईपैड्स में. तो ये आप देखिए जैसे ये स्मॉल मैनहोल है. अच्छा तो ये ट्रैक्टर के साथ जो अंदर जा रही है आपकी मशीन सेम ट्रैक्टर में या जो हमारा दूसरा वर्जन है वहाँ पर एक सक्शन पंप अटैच होता है और हमारे पास एक सिस्टम है थ्रू विच बिना मैनुअल इंटरवीन किए हुए अपने आप रिमोट से वो सक्शन पंप अंदर जाएगा और क्लिक ऑफ अ बटन सक्शन पंप जो है वो पाइप से थ्रू जो है एक टैंक में पूरा स्लज ट्रांसफर कर देगा. आपके 3 प्रोडक्ट है. हाँ, 2 हार्डवेयर और 1 सॉफ्टवेयर. होमोसेप इज फॉर क्लीनिंग दी सेप्टिक टैंक्स. यस. और दूसरा एंडोबॉट. एंडोबॉट एंडोबॉट क्या करता है. हम लोग एक सीरीज ऑफ रोबोट बनाए हैं जो 9 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर जो इंडिया में लगभग इस साइज का पाइपलाइंस होता है वो उसका अंदर जाता है और उसका अंदर का कंप्लीट डेटा कलेक्ट करता है. डेटा मतलब जो विजुअल फीड है वो छोड़ के एक्स्ट्रा डेटा लाइक पाइपलाइन का इंक्लिनेशन क्या है, पाइपलाइन के अंदर का टेम्परेचर क्या है. ये जो डेटा है मतलब इनसाइट क्या मिलती है, केल चार्ट्स बन जाते हैं या कुछ पता लगता है कि लीकेज है, वो व्हाट इज द फाइनल आउटपुट. मेरा डैशबोर्ड बताएगा उनको कि एग्जैक्टली 73.5 मीटर पर लीक है, कंटामिनेशन है, ट्री रूट है. वाओ, हमने रेंज ऑफ रोबोट्स बनाया है जो कि स्मॉलर पाइपलाइंस के लिए है, मिड रेंज पाइपलाइंस के लिए है और बिगर पाइपलाइंस के लिए है. कोई पेटेंट्स फाइल किए हैं? हाँ, होमोसेप में हमारे पास 4 पेटेंट्स फाइल किए हैं, 2 डिजाइन पेटेंट्स ग्रांटेड हैं, 2 पेटेंट्स अभी. और एंडोबॉट में? एंडोबॉट में पेटेंट्स अभी हम फाइल कर रहे हैं. तो आपकी इक्विटी स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर? नहीं, इक्विटी स्ट्रक्चर डिफरेंट है. क्या क्या है? तो आई होल्ड मेजोरिटी ऑफ द इक्विटी 32% 32.5% और इनकी है अबाउट 8.5% इनकी 5.5% और इनकी 2.5%. बाकी का जो IIT के प्रोफेसर है जो हमारे को फाउंडर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास अबाउट 20% है. और उसके अलावा जो अभी हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह भी रेज की है. अच्छा, उनमें कहाँ से रेज किए? हमने 3 महीने पहले अपना सीड राउंड क्लोज किया है. कितना रेज किया था? 4.2 करोड़. उस समय हमारा पोस्ट मनी वैल्यूएशन था 26 करोड़. ये कितने की मशीन आती है? टू आंसर योर क्वेश्चन, ये मशीन 15 से 25 लाख तक की होती है सारे एक्सेसरीज एडवर्ट करने पर. एंडोबॉट का जो बिजनेस मॉडल है वो सर्विस बेस्ड है. इसमें हम जनरली म्यूनसिपैलिटीज को या फिर कुछ इंडस्ट्रीज ऑल्सो जिसका रियल स्टेट काफी बड़ा है, उनके खुद के अंडरग्राउंड सीवर वाटर पाइपलाइन है, उनको भी कैटर करते हैं. तो लास्ट ईयर हमारा जो टोटल सेल था लगभग वो कस्टमर रेवेन्यूज अराउंड 1.2 करोड़ की थी. इस साल हमारा जो ARR है वो लगभग 5 करोड़ का है. इस 5 करोड़ को एक बार तोड़िया, कितना रिकरिंग है और कितना वन टाइम मशीन बेचने का? होमोसेप का जो बिजनेस है लगभग वो 3.75 करोड़ के आसपास का हमारा ये है. और उसके बाद एंडोबॉट सर्विसेज से हमारा लगभग 2 करोड़ का मतलब जो ये रेवेन्यू आएगा. तो 3.75 करोड़ रुपए की जो मशीनें बेची उसमें कितना अपने घर पे पैसा बनाया? ग्रॉस मार्जिन लगभग हमारा जो है 60% का, वो लगभग 1.8-1.7 करोड़ का बनेगा. और ये 2 करोड़ का जो सर्विसेज रेवेन्यू था उसमें कितना अपना मार्जिन होता है? सर्विसेज में भी हमारा 55-60% का ग्रॉस मार्जिन होता है. मार्केट साइज कितना है भाई, मतलब ये टोटल कितना हम लोग बेच सकते हैं, मतलब कितनी मशीनें बेच सकते हैं आपके? जनरल जो ग्लोबल मार्केट है वो लगभग $6 बिलियन का हम देखते हैं, इंस्पेक्शन एंड इनलाइन इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग मार्केट. और इंडिया में लगभग फिर मैं अगर उसका मतलब 10% भी अगर 20% जो मानूं जो कि इंडिया का हमारा बिग मार्केट है तो अबाउट 1.2-1.5 बिलियन का होगा. 6 बिलियन आपका अगर ग्लोबल मार्केट है तो इंडिया का 10% भी नहीं होगा. वॉल्यूम टर्म्स में शायद 20% हो, लेकिन वैल्यू टर्म्स में 10% से भी कम होगा. ठीक है,